तो ये है मेरा ईटी मनी एप्लीकेशन, जिसके अंदर आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड के यहाँ पर कुछ पैसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही मैंने और भी एप्लीकेशंस पर अपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रखी है, जैसे कि ग्रो हो गया। अब हुआ ये कि आज सुबह मैं अपना ग्रो चेक करने के लिए ओपन किया और ग्रो नहीं खुल पा रहा था। इसी तरीके से हो सकता है कि कभी ईटी मनी ना खुले और ऐसे समय पर एंजाइटी बढ़ सकती है कि भाई जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो मेरे कहाँ गए। तो मैंने क्या कर रखा है कि ग्रो एप्लीकेशन पर भी एक्सटर्नल फंड्स को वहां पर लाया हुआ है, ताकि मैं वहां पर से सारा ब्यौरा देख सकूं क्या चीजें हो रही है। इसी तरह ईटी मनी के अंदर भी आप एक्सटर्नल फंड्स को ला सकते हैं, तो चेक होते रहेगा, डैशबोर्ड आप देख पाएंगे। कैसे करना है ईटी मनी में वो आज बता देता हूं। तो देखिए, एप्लीकेशन ओपन कर लेना, सबसे ऊपर वाले सेक्शन में आपको म्यूचुअल फंड आपको दिख जाएंगे। अब ईटी मनी से जो मैंने चालू किए थे वो दिख रहे हैं, लेकिन अभी ग्रो पर जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या करना है, इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन नीचे की तरफ दिखाई देगा, इस पर चले जाना। इस पर जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर पूरी वैल्यू दिखाई देगी, थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक बटन मिलेगा, ट्रैक ऑल इन्वेस्टमेंट्स एट वन प्लेस। बस आपको ट्रैक नाउ का बटन दबा देना है। जैसे ही करेंगे, वेलकम टू फास्टेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर, ये सारी चीजें अपने तरफ से ईटी मनी बोल रहा है। आपको करना है प्रोसीड। यहां पर आने के बाद देखिए, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है, जब आप म्यूचुअल फंड करते हो तो आपका रजिस्टर्ड एक नंबर होता है, आपका ईमेल आईडी होता है, उसके थ्रू होता है। तो यहां पर आपको रजिस्टर्ड नंबर पे एक एसएमएस आया हुआ है, जिसकी ओटीपी आपको डालनी होगी, वो मैं यहां पर डालता हूं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एंटर ओटीपी सेंड फ्रॉम एमएफ सेंट्रल ज्वाइंट इनिशिएटिव बाय सीएएमएस एंड के फिनटेक, जिनके पास हमारी पूरी जो हमारे पूरे डिटेल रहते हैं हमारे म्यूचुअल फंड के, उनके पास हमारा सेव रहता है डेटा। तो वहां से ये इन्फॉर्मेशन निकाल करके हमें दिखाएंगे, वो चीज बोली है। यहां पर ओटीपी डालनी है, डालने के बाद सबमिट ओटीपी करूंगा। और अब आप देखिए ये फेच करेंगे पूरा डेटा, भाई जो भी पोर्टफोलियो मेरा बाहर बना हुआ है, ग्रुप पे बना हुआ है। एक्सप्लोर ईटी मनी करेंगे और यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो सिंकिंग इज इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। जैसे ही पोर्टफोलियो सिंक होता है आप देख सकते हैं योर पोर्टफोलियो हैज बीन अपडेटेड, व्यू कंप्लीट पोर्टफोलियो हेल्थ अगर आपको देखना चाहते हैं, व्यू होल्डिंग्स अगर मैं यहाँ पर करूँ तो आप देख सकते हैं कि सारे जो मेरे एक्सटर्नल फंड्स हैं मैंने ग्रो पे कर रखे हैं, अलग जगह पर कर रखे हैं, वो सारे के सारे इन्होंने फेच कर लिए हैं सीएएमएस से, केफिनटेक से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है, जो अभी तक 5000 रुपये का यहाँ पर दिखाई देता वो यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट बन गया है, क्योंकि अलग अलग जगह पर होल्डिंग्स थी, सारी की सारी इन्होंने मुझे यहाँ पर दिखा दी है। होम पर जाऊँगा, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग एप्लीकेशंस में अपना जो है पोर्टफोलियो डाल के रख सकते हैं, ताकि अगर एक एप्लीकेशन डाउन होती है तो आप दूसरी एप्लीकेशन पर भी उसे चेक कर सकें और एंजाइटी से बचे रहें। और यहां से अगर मैं विड्रॉ करना चाहता हूं तो बहुत ही इजीली विड्रॉ कर सकता हूं, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। देखिए इस पर अगर मैं जाऊंगा तो यहां पर मुझे विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है, किसी भी फंड पर मैं चला जाता हूं। आप बोलेंगे तो ये वाला तो पहले से अवेलेबल था, तो ये अवेलेबल नहीं था, इस पर मैं जाऊंगा विड्रॉ का बटन मुझे मिल जाता है। इस तरीके से यहां से विड्रॉ भी कर सकता हूं दोस्तों मैं, जरूरी नहीं कि जहां पर मैंने पैसे डाले वहीं से विड्रॉ कर सकता हूं। तो इस वीडियो में और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।